हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लेके आया फोर्ड की इको स्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, फोर्ड बंद हो चुकी है, लेकिन आज हम जानेंगे इको स्पोर्ट की रिलायबिलिटी के बारे में कि फोर्ड अपनी कौन सी ऐसी गाड़ी थी जो एकदम बेस्ट तरीके से छोड़ के गई थी और फोर्ड को नहीं जाना था। ये प्रोडक्ट उसके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन फोर्ड को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं फोर्ड की रिलायबिलिटी के बारे में कैसी रहती है फोर्ड की इको स्पोर्ट। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। जी हाँ दोस्तों, ये है फोर्ड के इको स्पोर्ट का फ्रंट लुक। ये फर्स्ट टाइप में थी फोर्ड को, भाई इसी वजह से गई है क्यों, फोर्ड ने अपने आप को ज्यादा कुछ अपडेट नहीं किया था, इसी वजह से फोर्ड की इको स्पोर्ट ज्यादा बिक नहीं रही थी। नॉर्मल अपडेट्स कर रहे थे, इको स्पोर्ट को चांस था थोड़ा सा अपडेट करने का, अपग्रेड करना बहुत जरूरी था इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही इसकी साइड बॉडी, नॉर्मल लुक है जैसा पुराने इसमें आता, तो वही है सब कुछ। इसका बैक यहाँ पे स्टेपनी मिलता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है, और उसके बाद में बात करेंगे इसके इंटीरियर की। सो फ्रेंड्स, ये है फोर्ड की इको स्पोर्ट की फ्लिप की, नॉर्मल आती है, लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलैम्प वगैरह आता था। चलिए इसको लगाते हैं, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो फ्रेंड्स देखो, 111,790 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक इको स्पोर्ट। उसके बाद भी आपको अभी थोड़ी देर में इसकी ड्राइव भी बताऊंगा और साथ ही में इंजन नॉइज भी बताऊंगा। इको स्पोर्ट में थोड़ा सा चेंज है, इस साइड में इंडिकेटर दिया जाता था इस साइड में, और ये जो ट्रिप वगैरह है यहाँ पे जो चेंज होती है ट्रिप, ये ट्रिप के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो चेंज हो रहा है ये ट्रिप यहाँ से कंट्रोल होती है। यहाँ पे कोई भी स्टेयरिंग माउंट नहीं मिलता था क्योंकि ये बेस मॉडल था उस समय का। यहाँ पे नॉर्मल स्टीरियो सिस्टम मिलता था, नॉर्मल एसी कंट्रोल्स है, यहाँ पे एसी मैक्स एसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, फ्लो कंट्रोल्स। अब यदि इको स्पोर्ट के मैं स्टेयरिंग के बात करूं कंट्रोल्स की, तो हमें यहाँ पे मिलते थे वाइपर्स के कंट्रोल। जनरली लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड में इसमें बहुत ज्यादा अंतर है क्योंकि इसके कंट्रोल्स थोड़े उल्टे दिए गए हैं। इसको मैं स्विच को ऑफ कर दूं, यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल है, साथ ही में यहाँ पे लाइट एडजस्टिंग के ऑप्शन इस साइड में दिए गए हैं, यहाँ पे एसी वेंट्स। अब डोर की बात जैसी करूं तो यहाँ पे मिरर ऑटो फोल्ड वगैरह का ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ से सेट हो जाता है। मैं आपको एक बार सेट करके भी दिखा दूं, देखिए मैं आपको बताता हूं एक बार चेंज करके। यानी अभी भी वर्किंग कंडीशन में रिलायबिलिटी तो थी यार फोर्ड इको स्पोर्ट की, फोर्ड की खुद की रिलायबिलिटी थी, पर पता नहीं फोर्ड ने जाना नहीं था। यहाँ पे नॉर्मल लाइट्स है, इधर में वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, नॉर्मल ग्रैब हैंडल्स है, यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, काफी बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता था उस समय भी, बहुत अच्छी खासी थी यार, पता नहीं क्या ही कर सकते अब। यहाँ पे मिल जाता था 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, साथ ही में ऑक्स की भी ऑक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे हमें टिल्ट टेलीस्कोप का ऑप्शन मिल जाता है स्टीयरिंग एडजस्टिंग का। ये देखो नीचे ऊपर आगे पीछे पूरा हो जाता है स्टीयरिंग, यहां से लॉक करना पड़ता है। उसके बाद में यदि मैं डोर की बात करूं तो यहाँ पे 2 पावर विंडो की बटन मिल जाती है, साथ ही में डोर हैंडल जैसा नॉर्मल रहता है, सब कुछ वैसा ही है इस कार में। यहाँ पे हैंड ब्रेक जो कि नॉर्मल है, कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल गाड़ी थी लेकिन थी भाई, रिलायबिलिटी थी इको स्पोर्ट में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी भी बनाती थी फोर्ड, पर पता नहीं क्यों ही जाना था। ये इसकी रूफ है, चलो अब बैक साइड में चलते हैं, बैक साइड में बात कर लेते हैं। भाई हम लोग आ चुके हैं बैक साइड में। यदि मैं इसके सीट को मैं पूरी पीछे कर रहा हूँ, उसके बाद भी 4-5 इंच के आसपास का गैप इसमें मिल जाता है। यहाँ डोर में हमें पावर विंडो नहीं मिलता था, ये बेस मॉडल आपको जैसा मैं बताया था, इसमें नॉर्मली ग्लास अप एंड डाउन इसी तरीके से करना पड़ता था। अब इधर की बात करूं तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको हेड देता हूं इसका, काफी हद तक हेडरूम है, हाँ 4-5 इंच के आसपास भी है, यानी बहुत सही है। अब बिल्ड क्वालिटी तो इसके आप लोग को पता ही होगा कैसी थी, इधर भी सेम है। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस से बात करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि बंद हो गया है सीट कवर की वजह से, नहीं तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे पॉकेट्स है नॉर्मली, ये रहा इसका डैशबोर्ड फ्रंट साइड से। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बूट की, फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे हाइड्रोलिक मिल जाते हैं जिससे बूट ऑपरेट करना एक इजी तरीका हो जाता है। अब मैं इसके सीट की बात करूं तो इसकी सीट भी फोल्ड हो जाती है यदि मैं इसको स्लोप करूं। मैं एक बार अपने कैमरामैन को बोलूंगा उस तरफ, तो ये सीट देखा होगा आपने पीछे चल जाती है, उसके बाद काफी हद तक बूट स्पेस बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई इसकी रिलायबिलिटी की, भाई है उस लायक, अभी आपको चला के भी दिखाऊंगा। सबसे पहले चलो इंजन देख लेते हैं इसका। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इंजन खोलते हैं यहाँ से। ये फोर्ड का इंजन, इसके बोनट की बात करूं तो 0.625 केजी का है। अब
इसकी जैसे ही बात करें अपन इंजन की, तो इंजन की रिलायबिलिटी तो आप सबको पता ही होगा कि फोर्ड की किस लायक से है। अभी भी इंजन में कोई इशू नहीं है, एकदम वर्किंग कंडीशन में। आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आप लोग एक बार स्टार्टिंग नॉइज सुन लो यार। हाँ, फोर्ड में एक चीज है, जब तक क्लच के साथ में ब्रेक प्रेस नहीं करो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आपको वो करके दिखाता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्लच दबाया, ब्रेक, अब इसके स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोगों आपको नॉइज सुना देता हूँ मैं एक बार। इसे ऑफ कर देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, चलो एक बार इसकी ड्राइव देख लेते हैं कैसी है चलने में। चलने में भी एकदम बेस्ट है, अभी भी इंजन को कुछ नहीं हुआ है। फोर्ड ऐसे भी अपने इंजनों से काफी हद तक प्रसिद्ध था। तो रिलायबिलिटी की बात जैसे अपन वीडियो में कर रहे थे, काफी अच्छा। मैं जैसे इसको अभी प्रेस भी कर रहा हूँ एक्सेलेरेटर को, तो काफी अच्छा इसमें पिकअप दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको ऐसी कार्स और भी चाहिए तो आप साईराम ऑटो डील में आ सकते हैं। ये मोती चौक बालाघाट में मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मोतीनगर वाला चौक है, यहाँ पे आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।